असलम वेलकम टू माई YouTube चैनल उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इंग्लिश फाइव जीरो थ्री इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कोइज नंबर टू समर सेमेस्टर का इसका कोज नंबर टू ओपन है इसके लिए इसकी लास्ट डेट है वो थर्टीथ अगस्त है तो ये जो सारे आंसर हैं ये मैंने हैंड आउट से कन्फर्म किए तकरीबन तकरीबन सारे जो आंसर थे वो हैंड आउट से मिल गए थे तो ये सारे हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर हैं फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट रीड डिफरेंट टेक्स्ट एंड देन शेयर द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू पीस टूगैदर द होल स्टोरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ तो इसके टू तो ऑप्शन थे प्रोग्रेसिव रीडिंग जिक्सा रीडिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो जिक्सा रीडिंग था सेकेंड हमारे पास है बिजनेस मीटिंग इंटरव्यू कंजर्वेशन एट द एयरपोर्ट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्टिविटीज़ इसके फोर ऑप्शन है सेमुलेशन एंड रोल प्ले डिस्कशन इंफॉर्मेशन गैप प्रिपेयर टॉक तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिमुलेशन एंड रोल प्ले है थर्ड हमारे पास द स्टूडेंट इज़ इनक्रेड टू प्रोड्यूस एज लेंथी लिस्ट एज पॉसिबल ऑफ ऑल द मेन आइडियाज डेट कम टू माइंड डैश स्टेज ऑफ राइटिंग तो इसका जो इसके दो ऑप्शन थे एडिटिंग एंड लिसनिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लिसनिंग है फोर्थ हमारे पास द स्टेज विच इन्वाल्वस शेयरिंग एंड द रटिंग विद एन इंटेंटिड ऑडियंस इज कॉल्ड तो इसके दो ऑप्शन थे प्री राइटिंग एंड पब्लिशिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पब्लिशिंग है ये सारे क्वेश्चन ये जो सारे क्वेश्चन है ये मैंने सारे इनके आंसर हैं न उसे कन्फर्म किए ये हंड्रेड परसेंट करेक्ट है फिफ्थ हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लिस्निंग प्रोसेस डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ससेस इन कम्युनिकेशन इसके ऑप्शन है एवोलेटिंग रिसिविंग अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्डिंग तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रिस्पॉन्डिंग है सिक्स हमारे पास ट्रेडिशनल क्लास रूम्स एंड सिस्टम फोकस मेनली ऑन स्पीच तो इसके दो ऑप्शन थे एकुरेंसी और फ्लुएंसी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक है सेवंथ है हमारे पास इन राइटिंग प्रोसेस वेन वन राइट्स विदआउट मेजर अटेंशन टू पंचुएशन आर ग्रामर इज इट इज़ कॉल्ड तो इसके दो थे ऑप्शन रफ ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रफ ड्राफ्ट होगा एट हमारे पास द मोस्ट कॉमनली यूज एक्टिविटी इन एन औरल स्किल क्लास इज तो दो इसके ऑप्शन थे रोल प्ले डिस्कशन इंटरव्यू डिमोनस्ट्रेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो डिस्कशन था नाइन्थ हमारे पास है द अबिलिटी टू प्रोड्यूस रिटर्न एंड स्पोकन सेंटेंसेस विद एज एफिशेंसी आर विद आउट अ ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज तो इसके दो ऑप्शन थे फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो फ्लुएंसी है टेंथ हमारे पास है सॉल्विंग अ पजल ड्राइंग अ पिक्चर फाइंडिंग सिमिलैरिटीज़ एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्टिविटीज़ तो इसके दो ऑप्शन थे रोल प्ले एंड सिमुलेशन या इन्फॉर्मेशन गैप तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इन्फॉर्मेशन गैप है उम्मीद आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप सब न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़